भागवत कितने अक्षरों से मिलकर बनी है? भा ग व त। भाति सर्वेशु लोकेशु, जिसका भली भांति सब लोकों में विस्तार है। भागवत जी केवल यहां मनुष्य लोक में सुनी जाती है, पर देवता भी तरसते हैं भागवत जी को। जिनका नारद आदि देवर्षि भी गुणगान गाएं, वो गा भा गा गान गान गाएं नारद आदि। वर्तते शास्त्रेषु सर्वेषु, जिनका भली भांति सभी शास्त्रों में विस्तार हो, वर्णन हो, भागवत जी की बारे में सब में लिखा। तस्मात भागवतम विदुः, ऐसी भागवत जी। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान मिट जात है, वा के कहे बल बुद्धि बढ़ जात है, और ता के कहे तकदीर बदल जात है। वही भागवत जो तकदीर बदल दे, मनुष्य की सोच बदल दे, विचार बदल दे। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में गए भ्रमण करने, पर शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्र मिच्छर्म मनः संतोष कारकम। सब जगह गए, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी, हर एक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गए, कहीं शांति नहीं। नारद जी भ्रमण करने गए पर शांति नहीं मिली। कहां गए नारद जी? सारे तीर्थों में गए भ्रमण करने के लिए, पर शांति नहीं मिली। शांति कहां है? आपके घर में शांति है? हाँ या ना? नहीं? क्यों, आपके घर में शांति नहीं है? नहीं है? अच्छा, कहीं शांति नहीं। आपके घर में शांति है? आपके घर में शांति है? आपके घर में शांति है? नहीं? अरे राम, हमें तो लगा बड़ी शांति है। मैया, ओ मेरी लाल मैया, आपके घर में शांति है? बताओ, ये मैया कुछ नहीं बताती। आगे बैठी हो तो आगे बैठने की जिम्मेदारी तो पूरी करो। नहीं, बताओ, शांति है आपके घर में? नहीं? आप बता भैया, शांति है आपके घर में? ये मैया के घर में शांति जरूर होगी, ये मैया माला जो जप रही है। हाँ, इनके घर, क्योंकि ये माला जपती है ना, जो भजन करता है उनके घर में शांति जरूर होती है। ये मैया को सुनाई नहीं पड़ रहा है, पर भजन कर रही है, नाम जप कर रही है, इससे शांति होगी निश्चित। जहां भजन होगा वहां शांति जरूर होगी। आप लोगों के घर में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि इस उम्र में ना यही करना चाहिए जो मैया कर रही है, तब शांति होगी। हाँ या ना? अच्छा, आप लोगों के घर में शांति क्यों नहीं है? शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आप शांत रहते ही नहीं है। शांति चाहिए तो जानते हो क्या करना पड़ेगा? उनके जीवन में बहुत शांति है जिनके जीवन में। शांति के लिए क्या होना चाहिए बताओ? शांति के लिए क्या हो, क्या होगा तो शांति होगी। वो क्या है जिसके होने से शांति होगी? जरा खोज करके बताओ, वो क्या है जिसके होने से शांति होगी? आपसे शुरू, शांत रहना। चलो, आपका उत्तर हमने सुन लिया, और कोई जवाब भैया आप दो। क्या है, किसके होने से घर में शांति रहेगी? एक चीज यदि आपके घर में हो जाए, एक चीज आपके जीवन में हो जाए, हाँ बताओ, भगवान की भक्ति। हाँ, ये ठीक बात है, सही कहा आपने। पीछे वाले भैया बताओ, ये पगड़ी लाल बांधा सिर पे, चलो बताओ, क्या होने से घर में शांति होगी? भक्ति, ठीक है। ये मोबाइल वाले भैया, ये पीले स्वेटर पहने हो पीली, चलो बताओ, अरे बनाओ वीडियो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उत्तर दो हमारा कि बताओ क्या होने से शांति होगी घर में।
हाँ आपसे पूछ रहे हैं। अरे आप तो मोबाइल यहाँ वहां पड़ोसन से पूछने लग गए। लो खुसर पुसर चालू हो गई देखो। आप बताओ क्या होने से शांति होगी। हाँ ये बात सही उत्तर है, ताली बजा देने के लिए। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जोर से, जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक शांति नहीं हो सकती। संतोष ही बिन संतोष न काम न साई। जब जिसके जीवन में संतोष है, जरा विचार करो कि आपके पास जितना है आप उतने में संतुष्ट है, तो आपके जीवन में शांति होगी कि नहीं। अशांति वहां होती है, शांति की कमी वहां होती है जहां संतोष नहीं होता, जहां संतोष है। यदि पति को अपनी पत्नी में संतोष है, पत्नी को अपने पति में संतोष है, तो शांति है। अब संतोष नहीं है इसलिए ना वो अड़ोसन पड़ोसन को भी देखता है। भाई संतोष नहीं, जहां संतोष की कमी जहां होगी वहीं अशांति होगी। चाहे वो पत्नी की बात लो, पैसे की बात लो, पुत्र की बात लो, परिवार की बात लो, व्यापार की बात लो, जो भी बात लो, जहां संतोष होगा वहां शांति जरूर होगी। क्यों जी ये बात सही है। और जहां संतोष नहीं होगा, यदि आप लोगों के जीवन में शांति नहीं है, तो इससे पता लग रहा है कि आप लोगों के जीवन में संतोष की कमी है। अपना संतोष बढ़ाओ, जितना ईश्वर ने दिया है बहुत, जितना विधाता ने दिया जितना है मेरे पास बहुत। संतोष